दूसरा दिन है आज हम जानेंगे कि अकाउंट पर पोस्टिंग कैसे करनी है। अकाउंट आपने रेडी कर लिया अपने, अब अकाउंट पर क्या पोस्ट करना है, क्या क्या चीजें नहीं पोस्ट करनी है और कैसे आपको रेगुलर पोस्टिंग करनी है ताकि सोशल मीडिया की जो पावर है वो आप पूर्ण रूप से उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हो सकता है कि आपने अकाउंट क्रिएट करा हो, पर ये भी हो सकता है कि आपने पहले कभी अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करी हो और आप उसका पासवर्ड भूल गए हो और आपको प्रॉब्लम आ रही हो अकाउंट के पासवर्ड को रीसेट करने में। आज हम जानेंगे कि आपके जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक के अकाउंट है इनका पासवर्ड कैसे रीसेट किया जाए और आपको अपना अकाउंट का एक्सेस दोबारा कैसे मिले। तैयार रहिए पासवर्ड रीसेट के लिए। छोटा सा सत्र, छोटा सा समय मैं आपको देना चाहूंगा कि पासवर्ड कैसे रीसेट करना है अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है और आपको प्रॉब्लम आ रही है साइन इन करने में यानी लॉग इन करने में। तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम पे चलते हैं। तो इंस्टाग्राम जब ऐप इंस्टॉल होता है तो कुछ ऐसा दिखता है, या तो आपको अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर याद हो और पासवर्ड याद हो तो आप अंदर जा सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, एक ऑप्शन आता है नीचे, तो देख पा रहे होंगे लाल कलर से हाईलाइटेड है वो ऑप्शन, फॉरगॉट पासवर्ड का। तो वहां पे आपको क्लिक करना है, ऊपर आपको अपना फोन नंबर डालना है जो आपने बनाते टाइम यूज किया है और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है, यानी आप पासवर्ड भूल गए हैं, आपको पासवर्ड याद नहीं है। फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करते ही फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, एक व्हाट्सएप कोड आएगा, वो कोड को आपको इधर अंकित करना है और दर्ज करना है। जैसे ही आप वो दर्ज करेंगे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कंटिन्यू रेड कलर से हाईलाइटेड है। ये सारे स्टेप्स अनुरोध करूंगा सभी से कि प्लीज इसको नोट कर लीजिए। हम जान रहे हैं कि अपना पासवर्ड अकाउंट का कैसे क्रिएट और रीसेट करना है। क्रिएट तो आपने अकाउंट कर ही लिया है लेकिन अब पासवर्ड रीसेट कैसे करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको एक ओटीपी आएगा आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर, आपको वो ओटीपी दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद फिर से कंटिन्यू पर जाना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर जाएंगे यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो आप नया पासवर्ड, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा और एडवाइस करूंगा कि आप सभी अपना जो पासवर्ड क्रिएट करें वो थोड़ा आसान बनाकर रखें, क्योंकि जगह अगर आप भूल भी गए तो आप उसमें लॉग इन कर सके और आसानी से लॉग इन कर सके और आप भूले ना उसको। तो ऐसा पासवर्ड बनाइए जो आपको याद रहे। तो पासवर्ड आप यहाँ पे रीसेट करेंगे और कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, आप दोबारा इंस्टाग्राम पे लॉग इन कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया थी कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड कैसे रीसेट करना है। लगभग लगभग बिल्कुल ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है कि फेसबुक का कैसे पासवर्ड रीसेट करना है। तो फेसबुक का पासवर्ड रीसेट करने के लिए भी आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है। ऐप को ओपन करना है, सबसे पहले तो ऐप को ओपन करना है, वहां पे मोबाइल नंबर अंकित करना है और नीचे फॉरगॉट पासवर्ड यानी पासवर्ड भूल गए, देख पा रहे हैं ये सभी, ये फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन, ये फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर कोड आएगा, तो कोड अंकित करना है और अपना अकाउंट ढूंढना है। पहले तो आपको फोन नंबर डाला आपने, फोन नंबर के बाद आपको कोड आएगा, तो वो कोड डालते, कोड का मतलब क्या है मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर आप डालते हैं, फोन नंबर आप यूज करते हैं, तो ये एप्लीकेशंस जो होते हैं, ये ऐप जो होते हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम, वो कोड इसलिए भेजते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि सही यूजर इसको यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आप इसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा तो यूज नहीं कर रहा है। अगर कोड आ रहा है तो वो आप तक सेफली आ रहा है, इसलिए वो कोड अंकित करने को बोलते हैं। जैसे अंकित करेंगे फिर आपको एक कोड आ जाएगा व्हाट्सएप पे और पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आपको वहां प्राप्त होने वाला है। तो पासवर्ड जब आप क्रिएट करेंगे तो याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ कि आसान सा बनाइएगा, अंकित करते ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और आप फेसबुक का भी पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही आसान है दोनों के पासवर्ड रीसेट करना लगभग लगभग, क्योंकि ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है वो एक ही कंपनी के हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ही विदेशी कंपनी है, उसका नाम मेटा है, उन्हीं के दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं। तो
तो बिल्कुल लगभग सेम ही चीज रहती है सारी, चाहे वो प्रोफाइल पिक्चर लगाना हो, चाहे आपको पासवर्ड रीसेट करना हो, चाहे अकाउंट बनाना हो, अकाउंट बनाना तो हमने सीखा ही था, लगभग लगभग सारी चीजें सेम ही रहती है फेसबुक और इंस्टाग्राम में। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम शुरू करेंगे कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कैसे करें। देखिए अकाउंट बना लिए, अगर पासवर्ड आप भूल गए, आपने पहले कभी अकाउंट बनाया तो रीसेट करना भी सीख लिए, अब हम जानेंगे पोस्ट कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ साथियों ने आज मुझे बताया कि आपने पोस्टिंग ऑलरेडी शुरू कर दी और ऑलरेडी आप पोस्ट कर रहे हैं। जिन साथियों को नहीं पता है, ये उनके लिए है कि पोस्टिंग कैसे करनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर चलते हैं कि इंस्टाग्राम जो ऐप है इस पर पोस्टिंग कैसे करनी है, ये भी आप लिख लीजिए। देखिए नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि सेशन एंड होने के बाद, वैसे तो यूट्यूब पर आप जाएंगे तो सत्र अवेलेबल भी होगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं, पर आप अपने जो नोट्स बनाएंगे खुद के लिखे हुए उससे आप इजिली चीजें समझ पाएंगे। तो देखिए इंस्टाग्राम पे आप जैसे ही लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी। पहले तो वेलकम टू इंस्टाग्राम लिखा होगा उस पर, नीचे लाल कलर से हाईलाइटेड आप देख पा रहे होंगे ये चीज, ये प्लस सिंबल जो है, इससे क्या होगा आप पोस्ट डाल पाएंगे। आपको कुछ भी पोस्ट डालना है इंस्टाग्राम पर तो ये प्लस ऑप्शन पे जाना होता है। फिर से दोहरा देता हूँ, इंस्टाग्राम पर अगर अगर आपको कोई भी पोस्ट डालना है तो ये प्लस के जरिए से आपको डालना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जो फोटो सेव हैं, जो भी वीडियो सेव हैं, वो आप इंस्टाग्राम पर डाल पाएंगे। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो इसकी फोटो आपके गैलरी में सेव है, अपने फोन से कैप्चर करी हुई आपकी गैलरी में सेव है। जैसे ही आप वो फोटो पर क्लिक करेंगे तो नया पोस्ट बन के आ जाएगा, यानी आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही, यानी सिलेक्ट करते साथ ही वो फोटो डलने की प्रक्रिया में आ जाएगी। अभी डली नहीं है लेकिन डलने की प्रक्रिया में आ जाएगी। फोटो आपने सिलेक्ट कर ली कि ये वाली फोटो है या ये वाली वीडियो है जो मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालनी है। ऊपर देख पा रहे हैं आप नेक्स्ट का ऑप्शन, ये देखिए ये नेक्स्ट का जो ऑप्शन है लाल कलर से हाईलाइटेड है ऊपर कोने में, इस पर क्लिक करते ही आप जो है वो पोस्ट कर पाएंगे और फिर ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो लोकेशन भी डाल सकते हैं, मान लीजिए आप भीलवाड़ा में हैं तो आप भीलवाड़ा भी डाल सकते हैं, पर वो थोड़ी आगे का प्रोसेस है, आपको बस नीचे शेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शेयर पर क्लिक करेंगे आपका पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम पर डल चुका है। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट करना। फिर से दोहरा देता हूँ, क्रिएट पे जाना है प्लस आइकन पे, उस पर क्लिक करते ही साथ फोटो या वीडियो सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट करने के बाद नीचे शेयर का ऑप्शन आएगा और शेयर करते से ही आपकी फोटो डल चुकी है। तो ये था इंस्टाग्राम का प्रोसेस कि कोई भी पोस्ट कैसे डालना है। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी तो एक ही है, फेसबुक का भी तरीका लगभग लगभग सेम है, ढूंढना आपको प्लस आइकन ही है। अब इंस्टाग्राम में वो नीचे होता है पर फेसबुक में वो ऊपर है, लाल कलर से देखिए हाईलाइटेड है ये ऊपर, इस पर क्लिक करना है। फिर वही करना है कि पोस्ट डालना है, स्टोरी डालना है, रील डालना है या लाइव जाना है, ये चार ऑप्शन आपको आएंगे। तो हमको तो पोस्ट डालना है, स्टोरी में मैं बिल्कुल आने वाला हूँ पर पहले पोस्ट समझते हैं। तो पोस्ट का ऑप्शन आपको क्लिक करना है, पोस्ट का ऑप्शन क्लिक करते से आते ही आप या तो फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं या तो वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने इंस्टाग्राम पे भी किया था। अब आपकी गैलरी में जो फोटो सेव होगी, जो वीडियो सेव होगी, वो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो सिलेक्ट करते साथ ही, तो पहले इससे पहले जब सिलेक्ट करेंगे आप तो एक नोटिफिकेशन आपको आ सकता है कि फेसबुक आपके कैमरा या गैलरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे अलाउ एक्सेस यानी आप अनुमति देते हैं कि मेरी गैलरी को एक्सेस कर लीजिए इस फोटो के लिए, इस वीडियो को डालने के लिए। तो वो क्लिक ही आप फोटो सिलेक्ट कर पाएंगे। देखिए फिर से प्रोडक्ट लॉन्च के आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि फोटो आई है, तो वो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आप पोस्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे ऊपर कोने में, राइट हैंड साइड में पोस्ट का ऑप्शन है टॉप पे, जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे आपका पोस्ट आ गया। बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझिए कि क्या करना है। क्रिएट पे जाना है, फोटो सिलेक्ट करनी है, नेक्स्ट क्लिक करना है और पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के साथ ही ये पोस्ट देखिए यहाँ पर डल चुका है। लगभग सेम तरीका है, याद रखिएगा, देखिए हैबिट में डालिएगा,
पहली चीज तो आपके हो सकता है आपको नए लगे ये सारी चीजें ही नहीं है, पर आप हैबिट बना के रखेंगे, रेगुलर पोस्टिंग करेंगे तो ये चीजें बहुत आसान लगेंगी, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर स्टोरी कैसे लगानी है। पोस्ट और स्टोरी, ये देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। तो स्टोरी जॉब, अब डिफरेंस क्या है ये भी बता देता हूँ। जो स्टोरी होती है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए आपके अकाउंट पर रहेगी, 24 घंटे के बाद हट जाएगी, और जो पोस्ट है वो आपके अकाउंट पर हमेशा रहने वाला है, हटने नहीं वाला है। तो पोस्ट कहीं नहीं जाएगा आपके अकाउंट से, स्टोरी 24 घंटे में पहुंच जाएगी। तो स्टोरी कैसे लगाना है वो भी सीख लेते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम इंस्टाग्राम पर स्टोरी कैसे लगाना है। देखिए पोस्ट आपने डाल लिया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पोस्ट डाला हुआ है, अब आपको स्टोरी डालनी है। ऊपर कोने में, उल्टे हाथ पर कोने में सबसे ऊपर, वहां योर स्टोरी का ऑप्शन आ रहा होगा, और वहां पे भी छोटा सा प्लस का आइकन आ रहा होगा। पोस्ट के लिए सबसे नीचे जाना है, ये देखिए यहाँ नीचे, और स्टोरी के लिए ऊपर जाना है। तो स्टोरी में भी प्लस का आइकन होगा, जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे प्रक्रिया फिर से सेम रहेगी। आपकी गैलरी में कोई भी फोटो या वीडियो जो होगी, आरसीएम से रिलेटेड कोई भी फोटो या वीडियो आपको डालनी होगी, आपको वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ उदाहरण के लिए 15 अगस्त को जो इवेंट हुआ था वो फोटो यहाँ पर ऐड करते हैं। तो जैसे ही वो ऐड करी आप नीचे आ जाइए। नीचे आने से ही पोस्ट में यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, स्टोरी लगाने में आपको पोस्ट का ऑप्शन नहीं आने वाला है। आपको नीचे एरो देखना है, एक छोटा सा एरो नीचे बना होगा, वो सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आइकन पर क्लिक करते ही शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर करने के बाद ही ये पोस्ट डल चुका है, ये स्टोरी डल चुकी है, माफी चाहता हूँ, ये स्टोरी आपकी डल चुकी है। डन पर क्लिक करें और स्टोरी डल गई है। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और शायद आपके लिए बहुत काम भी आई है। तो अगर आपके अकाउंट पर स्टोरी डली हुई है तो आप देख पा रहे हैं कि ये हाईलाइटेड है, का जो प्रोफाइल पिक्चर होगा वो सर्कल में जो है वो हाईलाइटेड है, वो लाल रंग देख पा रहे हैं उसके आसपास आप, तो यानी कोई स्टोरी आपके अभी डली हुई है। थोड़ा पीछे जाता हूं, अभी आप देखिए, अभी वो आइकन पे देखेंगे आप तो वो लाल रंग से कुछ हाईलाइटेड नहीं है, ये सर्कल में लाल से कुछ बना नहीं हुआ है, इसका मतलब स्टोरी नहीं डली हुई है। तो स्टोरी डलते ही ऐसा लाल से ये हाईलाइटेड हो जाता है, ये देखिए। तो ये याद रखिए कि आपकी स्टोरी डली हुई है, आप क्लिक कर उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे अपने आइकन को, अपने प्रोफाइल पिक्चर को, तो आप स्टोरी देख पाएंगे कि हाँ ये मैंने स्टोरी डाली है। तो ये स्टोरी का तरीका था। फेसबुक पर भी कुछ सेम ही है, लगभग कुछ डिफरेंस नहीं है, ये देखिए आप देख पाएंगे। ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे उस पर तो कुछ ऐसा बना आएगा, ये फोटो सिलेक्ट करी थी, यहाँ पर आपकी यूजर आईडी है और ये स्टोरी डली हुई, ये 24 घंटे तक ऐसे ही रहने वाली है, 24 घंटे के बाद ये हट जाएगी, ये है स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, फेसबुक पर चलते हैं क्योंकि कंपनी सेम है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन ऐसा ही है, यहाँ पे भी आपको प्लस साइन दो, प्लस साइन ढूंढेंगे तो वहां पे लिखा होगा क्रिएट स्टोरी। तो क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करते ही आपको फोटो सिलेक्ट करनी होगी कि कौन सी वीडियो आपको डालनी है फेसबुक पर। फेसबुक पर भी आप वो फोटो वीडियो सिलेक्ट करेंगे, वीडियो सिलेक्ट करते साथ ही शेयर का ऑप्शन आएगा सबसे नीचे। देखिए तीन चार ऑप्शन आपको हमेशा याद रखने हैं, शेयर, नेक्स्ट और आपको प्लस, ये तीन चार ऑप्शन फोटो अपलोड करते टाइम, कुछ भी पोस्ट करते टाइम या कुछ भी स्टोरी लगाते टाइम याद रखिए और इनको ढूंढिए स्क्रीन पर। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नीचे शेयर लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीन पर देखिए कि ये शेयर का ऑप्शन कहाँ है ताकि मैं सभी लोगों तक तो पहुंचा पाऊँ। तो शेयर पर क्लिक करते ही ये स्टोरी फेसबुक पर भी शेयर हो गई है। तो चेक करने के लिए फिर से बोलूंगा, आप क्लिक करेंगे उस पर स्टोरी आपने डाली है, आप देख पाएंगे कि हाँ मेरी स्टोरी डली हुई है, कुछ इस प्रकार आपको दिखेगी। तो ये था सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट और स्टोरी डालने का तरीका। अब एक और बेहतरीन तरीका है, और भी तरीके से आप अकाउंट पर पोस्टिंग, शेयरिंग या फिर स्टोरी लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि शेयरिंग कैसे करेंगे, पोस्ट हमने सीख लिया, स्टोरी सीख ली, शेयर कैसे करना है। मान लीजिए कि आरसीएम के कुछ ऑफिशियल पेज ने कुछ शेयर किया है इंस्टाग्राम पे, तो वो हमें आगे कैसे बढ़ाना है, आप कुछ अपना नहीं डाल रहे,
आप कुछ कोई फोटो नहीं अपलोड कर रहे, कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, पर आरसीएम ऑफिशियल पेजेस या जो भी आपने पेजेस फॉलो किए हैं उनको आगे कैसे शेयर कर रहे हैं, उन्हीं को, आपको पोस्ट नहीं बनाना, आपको स्टोरी नहीं बनानी, पर उन्हीं को आगे कैसे भेजना है वो समझते हैं। सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा ना आप सभी को, और ये आप सभी का टास्क क्या देखिए, फिर से मैं बोलना चाहूंगा, तो टास्क ये है कि सारे आरसीएम के पेजेस, आरसीएम ऑफिशियल वर्ल्ड ऑफिशियल पेजेस, वो आपको फॉलो करने हैं, सभी को फॉलो करने हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और यूट्यूब पे तो आप बिल्कुल फॉलो करते ही करते हैं। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बनाया, अगर अकाउंट में साइन नहीं कर पा रहे हम तो रीसेट करा, रीसेट करने के बाद हमने स्टोरी लगाई, पोस्ट किया, अब हम फॉलो करना शुरू करेंगे। तो आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल पेजेस आप फॉलो करेंगे, तो मान लीजिए आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल के पेज के जरिए कुछ शेयर किया गया अकाउंट पे, तो वो आगे कैसे बढ़ाना है आपको, आपके पास आगे बढ़ाना है यानी आगे उसको शेयर करना है। तो ये देख पा रहे हैं इंस्टाग्राम में छोटा सा तीर बना हुआ है यानी एरो बना हुआ है, उस एरो पे क्लिक करेंगे तो उस एरो का मतलब होता है शेयर आइकन, इसको हम कहते हैं कि ये शेयर आइकन है इंस्टाग्राम का, लिख लीजिए इसको, ये शेयर आइकन है, छोटा सा एरो शेयर आइकन है इंस्टाग्राम का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके जो अकाउंट आप फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मान लीजिए आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल को फॉलो किया जा रहा है, आप भी कई अकाउंट को फॉलो कर रहे होंगे, आप नए साथियों को फॉलो कर रहे होंगे, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से किसी को फॉलो कर रहे होंगे, तो वहां सेंड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे सेंड का ऑप्शन आएगा, सेंड करते ही आपने शेयर कर दिया है, आपको और कुछ नहीं करना है, आपने शेयर कर दिया है, वो आपने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया। ऐसे ही कुछ फेसबुक पे होता है, इंस्टाग्राम पे एरो होता है तो फेसबुक पे शेयर का ऑप्शन होता है, यहाँ फेसबुक पे आप शेयर का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, लाल कलर से हाईलाइटेड है नीचे, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और आप शेयर कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, फेसबुक पे आप देख पा रहे हैं, वहां पे इंस्टाग्राम पे आपने जो अकाउंट फॉलो किए हैं उनको शेयर कर पाएंगे, यहाँ पर भी आप अपने मैसेज मैसेंजर के थ्रू यानी जितने भी दोस्त और फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपके में एडेड हैं तो वहां पे मैसेंजर के थ्रू पे भी शेयर कर सकते हैं, सेंड का ऑप्शन याद रखिए, पर सेंड कर पाएंगे। चलिए तो ये फेसबुक का, इंस्टाग्राम पर हमने तीन चीजें, अब टोटल में हमने तीन चीजें सीख ली हैं, पहला हमने सीखा है पोस्ट करना, दूसरा हमने सीखा है स्टोरी लगाना, तीसरा हमने सीखा है कि जो पेज हम फॉलो करते हैं, आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल का पेज आप फॉलो करेंगे, सबसे पहला टास्क है आपका, उसमें आप आगे लोगों तक शेयर कैसे करेंगे। तो एक और चीज ऐड कर देते हैं इसमें, व्हाट्सएप पर स्टेटस कैसे लगाना है, जब भी व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो व्हाट्सएप पर भी आप स्टोरी या स्टेटस लगा सकते हैं, कैसे लगाते हैं वो भी समझते हैं। आपने काफी सारे साथियों को देखा होगा कि स्टोरी कैसे लगा पा रहे हैं, स्टेटस कैसे लगा पा रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो वो भी समझते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करना है, वहां पर अपडेट का ऑप्शन होता है नीचे, देखिए व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ मैं, तो व्हाट्सएप पर अपडेट का ऑप्शन होगा, अपडेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ माय स्टेटस का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको ढूंढना है एक ही चीज है, प्लस कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं, आप बना रहे हैं तो प्लस सिंबल पे होगा। अब मैं फिर से एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, को मैंने बताया कि फेसबुक एक ही कंपनी का है और इंस्टाग्राम भी एक ही कंपनी का है, तो आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप भी एक ही कंपनी का है, ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं ये एक ही विदेशी कंपनी के है, उसका नाम है मेट, तरीका सब में सेम है, अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी आपको प्लस का ढूंढना है सिंबल, प्लस का सिंबल ढूंढते ही अब आपको क्या फोटो डालनी है, क्या वीडियो डालनी है, वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे कोने में नीचे एक गैलरी का ऑप्शन होगा, एक पिक्चर सी बनी होगी यानी आपकी फोटो आपको अपलोड करनी है, तो वो नीचे आपको उसको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे फोटो सिलेक्ट कीजिए अपनी गैलरी से कि ये वाली फोटो है या ये वाली वीडियो है, तो वो डालते ही आपकी शेयर हो जाएगी, कैसे, आइकन पे क्लिक करते हैं, एरो का आइकन, आइकन फिर से सेम है कि एरो का आइकन करेंगे और आपका पोस्ट या स्टेटस व्हाट्सएप पर डल चुका है। फिर से देखिए यहाँ स्टेटस में आप देख पा रहे हैं आसपास ग्रीन कलर की आपको सर्कल में हाईलाइट दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो ग्रीन कलर का हाईलाइटेड है, तो इसका मतलब आपका स्टोरी या स्टेटस
डला हुआ है व्हाट्सएप पर, आप क्लिक करके उसको चेक भी कर सकते हैं। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आप देखिए, पीछे पीछे चलता हूँ तो यहाँ पर कुछ बना नहीं हुआ है। इसका मतलब आपका स्टेटस कुछ है नहीं, अभी आपने कोई स्टोरी डाली नहीं है। ये भी 24 घंटे तक वैलिड रहती है, स्टोरी हमेशा 24 घंटे तक ही रहेगी। जैसे आप उस पर क्लिक अगर कोई लगाते हैं स्टोरी, तो आप देख पाएंगे कि ग्रीन कलर से वो हाईलाइट हो जाता है। इंस्टाग्राम का कलर लाल है या पिंक सा है तो वो पिंक से होगा, व्हाट्सएप का कलर ग्रीन है तो वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। इसका मतलब आपकी स्टोरी लग चुकी जिस प्रकार आपको दिखेगी व्हाट्सएप पर स्टोरी। तो ये चीजें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। एक बार फिर से छोटा सा रीकैप दे देता हूँ तुरंत की तुरंत। सबसे पहले हमने सीखा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट कैसे करना है। दूसरी चीज हमने सीखी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टोरी कैसे लगाना है, और अभी हमने व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाने का भी तरीका से सीखा। और हमने एक और चीज सीखी थी, वो है शेयर कैसे करना, यानी आपके जो भी दोस्त और आपके जो भी फैमिली आपके सोशल मीडिया पे एडेड हैं, एज फ्रेंड्स एडेड हैं, तो आप उनको शेयर कैसे कर सकते हैं। कुछ भी चीज, चाहे वो RCM वर्ल्ड ऑफिशियल हो, मान लीजिए आपके लीडर ने कुछ अपलोड किया है, कुछ पोस्ट किया है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। आप कुछ पोस्ट करते हैं तो आपके जो फॉलो कर रहे हैं, आप में जो एडेड हैं, वो शेयर कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं, वो है एक पावरफुल सोशल मीडिया अकाउंट कैसे बनाए, बहुत ही बेहतरीन और इम्पैक्टफुल सोशल मीडिया अकाउंट कैसे बनाए। क्योंकि अकाउंट बनाना ही सिर्फ आपका काम नहीं है, ये तो पहला कदम है, इसके बाद आपको उसको मेंटेन भी करना है और उसको पावरफुल भी बनाना है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो चीजें मैंने चर्चा भी करी थी कल, तो आज फिर से दोहराऊंगा उनको कि एक पावरफुल अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं BC सर के अकाउंट, ये इंस्टाग्राम का उनका अकाउंट है। तो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग क्या है कि ये पावरफुल है और बहुत बेहतरीन अकाउंट है, तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है प्रोफाइल पिक्चर। कल भी मैंने आप सभी को बताया था कि बाइक, फूल पत्तियों की या कोई मॉन्यूमेंट की किसी की तस्वीर आपको नहीं लगानी है, आपको अपनी एक बहुत ही अच्छी सी पिक्चर लगानी है। पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए इसका पिक्चर, तभी वो एक पावरफुल पिक्चर बनेगी। उसके बाद आपको प्रोफाइल नाम जो है, जॉनियन यानी जो आपका नाम है, वो पूरा डालना है। पहला नाम आपको पूरा डालना है, सरनेम आपको पूरा डालना है, कुछ भी अलग सा नाम नहीं डालना है आपको, आपको अपना नाम यूज करना है। आपकी पहचान सही तरीके से स्थापित हो पाए, इसलिए आप हमेशा अपना नाम यूज कीजिए। तीसरा, इसमें से छोटा सा सेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं अबाउट सेक्शन। अब अबाउट सेक्शन क्या होता है, वो आपके बारे में कुछ चीजें लोगों को बताता है। कि जैसे BC सर के बारे में अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो वहां लिखा है ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल मेंटर और लाइफ कोच। तो ये उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया है कि ये मेरा बारे में छोटी सी डिटेल, बहुत छोटी सी डिटेल आप भी अपने बारे में डाल सकते हैं। मान लीजिए आप RCM में 100 लोगों की टीम को लीड करते हैं या 1000 लोगों की टीम को लीड कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि लीडर, ऐसे करके आप कुछ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि ये अकाउंट को आपके पावरफुल बनाती है, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती है कि हाँ मैं इस इंसान को फॉलो कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें दिखती है, आपकी फेस दिख रहा है, आपका नाम दिख रहा है, आपके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन भी दिख रही है। तो ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्या शेयर करना है। चलिए अब इस पर आते हैं। अकाउंट बना लिया, पोस्ट कैसे करना है सीख लिया, स्टोरी कैसे लगानी है सीख लिया, तो शेयर क्या करना है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो हम जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहला जो काम है, मैं आपको बताऊं कि क्या शेयर करना है, तो सबसे पहला काम मैंने आपको पहले भी बोला कि RCM के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, ये आपका टास्क, उसको आप फॉलो कीजिए तीनों पे। आप फेसबुक पे भी जाइए, आप इंस्टाग्राम पे भी जाइए और आप यूट्यूब पे भी जाइए। तो RCM वर्ल्ड ऑफिशियल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर करी गई सभी पोस्ट आपको शेयर कर, अब जैसे ही आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो जो भी RCM वर्ल्ड ऑफिशियल पेज के माध्यम से पोस्ट है, आप वो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही आपको RCM वर्ल्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो भी पोस्ट कई वीडियोस हैं, आज के सत्र की मान लीजिए, ये कल के सत्र की या एक महीने पहले सत्र की,
वो भी आपको शेयर करनी है। आगे बढ़ते हैं, उत्पादों का स्वयं अनुभव और उत्पादों का टेस्टिमोनियल। अब मान लीजिए, जैसे कि मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप सभी यूजर्स हैं प्रोडक्ट्स के, आप उत्पादों को यूज करते हैं और आपको पता है उत्पादों के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं, क्या फायदे आपको मिले हैं प्रोडक्ट का, आपने यूज किया है, मान लीजिए गामा ओरिजिनल यूज किया है आपने उदाहरण के लिए, तो आपको उसका क्या फायदा मिला है, ये आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं, क्या खासियत है उस प्रोडक्ट की, आप ये पोस्ट कर सकते हैं, तो उत्पादों के बारे में आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आरसीएम की नई पहल के बारे में पोस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज कीसोल के माध्यम से नया पहल है आरसीएम का, तो आप ये पोस्ट कर सकते हैं कि नई चीजें क्या आ रही हैं, कौन सी नई पहले हैं जो हम आगे लेके आ रहे हैं आरसीएम के माध्यम से, तो आप वो पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा, हो रहे इवेंट्स, आप जानते हैं बहुत बेहतरीन इवेंट्स होते हैं आरसीएम में, चाहे वो यूएलपी इवेंट्स हो और जोनल इवेंट्स हो, आप पूरी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्या वो इन्फॉर्मेशन आप जन जन तक पहुंचा पा रहे हैं, अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आप हो रहे इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कोई भी इवेंट्स को। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इवेंट हुआ था आरसीएम में, बहुत ही बेहतरीन इवेंट था, तो वो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का फायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, शेयर करने से क्या होगा, आप 40 करोड़ लोगों तक तो नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जन तक पहुंच पाएंगे, हो सकता है कि आप उनसे बहुत कम बात कर पाते हैं, वार्तालाप कर पाते हैं, लेकिन इन सब चीजों के माध्यम से, शेयर करने के माध्यम से, वो भी आरसीएम की जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत इम्पैक्ट होने वाला है, उसका सामने वाले पे बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। आरसीएम सेवा के बारे में आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं, आप जानते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, गुरुकुल सेशंस टीसी सर के माध्यम से कंडक्ट किए जाते हैं, लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक सारी चीजें हैं, आप बिल्कुल जो भी हमारे सेवा आरसीएम सेवा है वो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सीखते हैं, ये आपको मैंने बिल्कुल बता दिया कि पोस्ट कैसे करना है, तो पहली स्लाइड्स बताया है कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट कैसे करना है, फेसबुक पर पोस्ट कैसे करना है और व्हाट्सएप पर स्टोरी भी कैसे लगानी है। इतना ही याद रखना है कि पोस्ट अलग चीज है, स्टोरी अलग चीज है और शेयर करना अलग चीज है, ये तीन चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं और तरीका लगभग तीनों का सेम ही है। कुछ तो आइकन्स हैं जो आपको याद रखना है, प्लस का आइकन याद रखिए, शेयर जहाँ लिखा हुआ है शेयर याद रखिए, नेक्स्ट जहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट याद रखिए, एरो का साइन है, जहां भी एरो का साइन देख पा रहे हैं वो हमेशा याद रखिए कि उस एरो के साइन पर क्लिक करने से वो आगे बढ़ जाएगा, वो डन ही समझ लीजिए आप एक तरीके से, बस आइकन बना हुआ है तो वो आप बिल्कुल याद रखिए। किस तरीके से अपने फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर बढ़ाने हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी इस टाइम पर सोशल मीडिया यूज कर रही है और आप भी उसका पार्ट बन चुके हैं कल के बाद, आपको लोगों को कैसे ऐड करना है, अपने अकाउंट को प्रभावशाली कैसे बनाना है और लोगों को कैसे फ्रेंड्स में ऐड करना है। तो उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देख पाइए, बीसी सर को आपको फेसबुक पर ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, जैसे ही आप सर्च करेंगे वहां ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आएगा, ऐड फ्रेंड का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है लोगों को ऐड करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करते हैं, फेसबुक पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऐड फ्रेंड को याद रखिए, उस पर क्लिक करते ही वो आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। दूसरा तरीका है फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करें, तो फेसबुक में जैसे भीलवाड़ा मार्केट का आपको देख पा रहे ग्रुप है, तो उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके आसपास के एरिया में ग्रुप होंगे और दूर दराज के एरियाज में भी आपके ग्रुप होंगे, और हो सकता है फेसबुक पे एक्टिव हो, जैसे आप फेसबुक ज्वाइन करेंगे या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे आपको पता चलेगा कि ये ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आप देख पाएंगे कि लगभग लगभग 140 140.5K लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो ग्रुप, तो आपके सामने लाइव उदाहरण भी है और इसका यूज कीजिए, इतने सारे लोग यानी 1,40,000 लोग इस टाइम पे भीलवाड़ा मार्केट का जो ग्रुप है उस पर ज्वाइंट है, उस पर जुड़े हुए हैं और आप भी इस पे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अकाउंट को एक्टिव रखें सबसे पहले,
आपको अकाउंट जो है आपका सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट आपने बना लिया है तो आपको उसको एक्टिव रखना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मेंटेन करना अकाउंट को, एक्टिव रखना जरूरी है। आप एक्टिव कैसे रखेंगे, आपको रेगुलर पोस्टिंग करनी है, आपको शेयर करना है, आरसी में कोई भी अपडेट है आप शेयर कीजिए उसको, प्रोडक्ट्स के अनुभव को शेयर कीजिए, पोस्टिंग आपको रेगुलर ही रखनी है। टीम के भीतर सोशल मीडिया जागरूकता फैलाएं। अभी देखिए, अभी आपने आज के सेशन और कल का सेशन अटेंड किया, आप सभी भली भांति अवगत हैं कि सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है, वहां पे अकाउंट कैसे बनाना है, पोस्टिंग कैसे करनी है। और नहीं भी अवगत हैं, मान लीजिए आपको 80% आ गया है अभी, तो 20% आप चलाते चलाते सीख जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूज करना है बस। जैसे ही आप यूज करेंगे ना, आप सीख जाएंगे कि हाँ अच्छा ये सारी चीजें ऐसे करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है सीखना। और यही सीख आपको अपनी टीम में भी आगे बढ़ानी है। तो मान लीजिए आपके टीम में कुछ लोग हैं जो यंग हैं, उनको तो चलाना आता ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी आता तो आप सिखा सकते हैं। और ना सिर्फ यंग को, जितने भी आपके एजेड लोग भी हैं आप उनको भी सिखा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप बिल्कुल सिखा सकते हैं। कहानियों की तरह बताएं, देखिए कुछ भी शेयर करते हैं आप कि सोशल मीडिया हम ऐसे यूज करते हैं, इसकी पावर ये है, तो उसको एक कहानी की तरह आप प्रस्तुत करें। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग। किस भाव में आप बता रहे हैं वो ऐसा लगना चाहिए एक कहानी है। आप अपनी पूरी यात्रा बता सकते हैं कि सोशल मीडिया मैंने ऐसे यूज करना शुरू किया या आरसीएम में मैं ऐसे जुड़ा, तो कहानी की तरह बताएंगे तो उसका लाभ आपको जरूर मिलने। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूंगा। ये चार नकारात्मक विचार जो है आपके दिमाग में, हो सकता है आए तो बिल्कुल नहीं आने देना है आपको, अगर आ भी रहे हैं। पहला है, ये बहुत एडवांस चीज है, मेरे बस की बात नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एडवांस हो जो आप नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले भी बोला कि यूज कीजिए, आप बिल्कुल सीख पाएंगे। तो आप यूज करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, आप बिल्कुल इसको ऑपरेट कर पाएंगे, चला पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल तभी प्रभावशाली बनूंगा जब मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। तो ऐसा सोच को बिल्कुल नहीं आने दीजिए। देखिए, कल भी मैंने कहा था, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, धीरे 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 आपको आगे बढ़ना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब है कि कुछ भी चीज है वो एक दिन में नहीं संभव हो पाती, धीरे 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 आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज पे और फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही अगर आपको प्रभावशाली बनना है, रेगुलर पोस्टिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तभी आपके अकाउंट पे फॉलोअर्स भी अपने आप आएंगे। आपको कुछ जरूरत ही नहीं है करने की, अपने आप आएंगे फॉलोअर्स। तीसरा, मैं इतना प्रभावशाली तरीके से पोस्टिंग नहीं कर पाऊंगा। देखिए, पोस्टिंग हो सकता है कि आपको कुछ शेयर करना है, पोस्ट करना है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समय लगे, पर जैसे ही आप इसके लिए, आपको पता होगा कि कैसे शेयर करना है, आपको 15 से 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले कुछ भी पोस्ट करने के लिए। चलिए मान लीजिए 1 मिनट, 15 से 20 सेकंड, अगर मैंने बहुत जल्दी बोल लिया, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पोस्ट करने में। फोटो अपलोड करके आप पोस्ट कर देंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मेरे रिश्तेदार या दोस्त क्या सोचेंगे, ये विचार भी आपके मन में आ सकता है, तो एक अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, हाँ माफी चाहता हूँ, तो लोगों तक अगर आप कुछ शेयर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेवा के बारे में आप शेयर करेंगे, तो सेवा के बारे में अगर आप शेयर करेंगे तो कुछ अच्छी चीज आप शेयर कर रहे हैं लोगों तक, तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल बहुत अच्छा पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते टाइम आपको कुछ चीजें याद भी रखनी है। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, तो सबसे पहले अपने समय की रक्षा करें। देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको आधा घंटा या 45 मिनट, इससे ज्यादा समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यतीत नहीं करना है। आप अपने समय की वैल्यू रखिए और इसको महत्व दीजिए, सोशल मीडिया को लिमिटेड समय के लिए दीजिए। और भी आपको काम है, ऐसा नहीं है आप सिर्फ सोशल मीडिया यूज करने पे लग जाएं। सारी चीजें जो भी आपके लाइफ में चल रही हैं, चाहे आप दूर दराज एरिया में जाकर अभियान प्रचार करते हैं, तो वो चीज भी आपको कंटिन्यू रखनी है, साथ साथ सोशल मीडिया भी यूज कर। 45 मिनट के लिए यूज कीजिए, आधे घंटे के लिए यूज कीजिए, पर समय का आप ध्यान जरूर रखिए। दूसरा, सोशल मीडिया पूरी जिंदगी नहीं है, ये एक मात्र उसका
अंश, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी पोस्ट करेंगे, उसको ये मत समझिए कि बस यही है, ये आपकी लाइफ का एक छोटा सा अंश बन के रहेगा, आप इसी पे सीमित मत रहिए। आगे बढ़ते हैं, जो दिखता है वह सब सही होता है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनियां भी होंगी और भी बहुत सारे लोग होंगे, वो कुछ पोस्ट करते हैं, पर हर कुछ आपको बिलीव नहीं करना है सोशल मीडिया पर। सारी जो चीजें सोशल मीडिया पर आपको दिख रही है, वो हो सकता है कि वो सही नहीं हो, सही भी हो सकती है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सही नहीं होंगी, सही भी हो सकती है, सही नहीं भी हो सकती। तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसके बारे में जांच करनी, फिर आपको बिलीव करना। तो मान लीजिए, जैसे कोई प्रोडक्ट आपने सोशल मीडिया पर देखा, वो दिखने में बहुत आपको अच्छा लग रहा है, पर अगर आप चेक करें तो वो प्रोडक्ट इतना फायदे ही नहीं है और इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो हर कुछ आप सोशल मीडिया पर जो है वो बिलीव ना करें, किसी से भी अपनी तुलना ना करें। तो मान लीजिए, अगर आपके मन में ये भी विचार आ सकता है कि ये पर्सन जो है सोशल मीडिया पर, इतनी सारी फॉलोइंग है इनकी पर आपकी इतनी नहीं है, तो वो कंपैरिजन आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करना है। आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा, आप भी सोशल मीडिया पे इम्पैक्टफुल बनेंगे, तो समय आपको तो जरूर देना पड़ेगा। किसी से भी अपनी तुलना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते चलिए।